फरीदपुर। ताबड़तोड़ हत्याओं से थर्राया फरीदपुर। नशे के तस्करों ने युवक को सल्फास देकर मार डाला। पुलिस बोली मामला संदिग्ध। फरीदपुर बरेली। शातिर अपराधियों को कर्फ्यू या लॉकडाउन से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें क्षेत्र में घटना को अंजाम देने में जरा भी संकोच नहीं है। लॉकडाउन के चक्र जरा भी भय नहीं है। घटना को अंजाम देना इनकी फितरत में लिखा है। इस महामारी के दौर में जहां पुलिस से लेकर प्रशासन लोगों को घरों में कैद करके कोरोना महामारी से महफूज देखना चाहता है, वहीं कानून के दुश्मन उन्हें चुनौती देने से बाज नहीं आते हैं। फरीदपुर तहसील के भूता क्षेत्र के गांव में नशे के तस्करों ने युवक को सल्फास देकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं पुलिस मामले को आत्महत्या बताकर संदिग्ध मान रही है। कस्बे से फरीदपुर भूता रोड पर स्थित गांव खजुरिया संपत निवासी सूरजपाल शर्मा का 22 वर्षीय बेटा कपिल शर्मा का गांव के ही कुछ तस्करों से याराना था। परिजनों ने बताया, शनिवार के दिन कपिल शाम के समय घर से निकला और गांव के ही नशे के कारोबारियों के पास जा बैठा। शाम करीब 6 बजे के करीब वही उल्टी पुल्टी करता लड़खड़ाता हुआ घर पहुंचा और जाकर घर के आंगन में गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उसके मुंह से सल्फास की बदबू आ रही थी। बदबू को देखकर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आनन फानन में परिजन कपिल को लेकर निजी वाहन से निजी स्थान फरीदपुर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जवान बेटे की मौत से घर में कोहराम मच गया। कपिल अपने माँ बाप की 5 संतानों में से 4 नंबर का था। उसका बड़ा भाई राम मोहन मुरादाबाद पुलिस में तैनात है। एक बहन रचना अविवाहित है। वहीं सूचना भूता पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस घटना को आत्महत्या मानते हुए संदिग्ध मान रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही क्लियर होगा कि मामला हत्या या आत्महत्या का है। क्या नाम है आपका? किसकी बेटी है? सूरजपाल। ये कौन था जो मृतक आपका? ये हमारा छोटा भाई था। इसका क्या नाम था? कपिल। कपिल, ये घटना कैसे हुई, कुछ जानकारी आपके लिए है इस बारे में? हाँ, ये बब्बू के साथ रहता था और उसने इसे गोली दी थी कल और उसी की दुकान पे खाकर आया था। वो काई दुकान चला था? वो स्मेल लगा रहा है। मतलब और किस चीज की दुकान है? दुकान किस चीज की? शराब अफीम खाने जैसा। नहीं, दुकान इस दुकान थोड़ी होती उसकी है ना, परचूनी का परचूनी दुकान है ना। परचूनी बैठ के दो नंबर काम धंधे करता है। करता, खुद करवाता है दूसरों से। अच्छा अच्छा, तो इन्हें कैसे लेकर इन सबके दोस्ताना था उसका? बब्बू से दोस्ताना था, दोस्ती थी, उसे ले जाता था साथ में। ये तो उसी ने जहर दे के मार दिया? हाँ, उसी ने गोली थी कल की, सरफास की। हाँ। इसके जेब में कोई गोली वगैरह निकली थी क्या? हाँ। ये पी के जब दारू पी के आया था? नहीं, नहीं, कुछ नहीं किया। हाँ। केवल गोली खाया हुआ था? गोली। तो गोली की व्यवस्था खिला दी उसके लिए क्या? मतलब कहने मतलब किसमें थी? दारू मिली हुई थी? नहीं, दारू पीने का शौकीन था क्या ये? कभी नहीं पीता था। अच्छा, गोली कैसे खा ली इसने? कभी कभी पी लेता था साल में। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल इंडियन समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे।